सोचो जिंदगी ऐसी हो जहां किस्मत के उतार चढ़ाव से आपको कोई फर्क ना पड़े। ऐसी जिंदगी जहां बाहर की कोई भी चीज आपके अंदर की शांति को भंग ना कर सके। यह आजादी सेनेका अपनी स्टोइक विजडम के जरिए देते हैं। आज की दुनिया जहां हर कोई कंट्रोल और सक्सेस के पीछे भाग रहा है, सेनेका सच्ची आजादी का रास्ता दिखाते हैं। उनकी टीचिंग्स समय से परे हैं और आज के चैलेंजेस से निपटने के लिए प्रैक्टिकल गाइडेंस देती हैं। ये हमें बाहरी घटनाओं से अपने रिश्ते पर फिर से सोचने और अपने अंदर ही शांति खोजने के लिए प्रेरित करती है। सेनेका का फिलॉसफी बस थियोरेटिकल नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल तरीका है एक खुशहाल जीवन जीने का। सेनेका के प्रिंसिपल्स को समझकर और अपनाकर हम जिंदगी की अनिश्चितताओं को ग्रेस के साथ हैंडल कर सकते हैं। आइए सेनेका के विचारों में उतरें और सीखें कि डिटैचमेंट के जरिए सच्ची आजादी कैसे पाई जा सकती है। सेनेका एक रोमन स्टोइक फिलोसोफर, स्टेट्समैन और राइटर थे। 4 BCE में जन्मे, वो एंशिएंट रोम के सबसे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स में से एक बन गए। उनकी राइटिंग्स एथिक्स से लेकर पॉलिटिक्स तक कई विषयों को कवर करती हैं, लेकिन फॉर्च्यून और फ्रीडम पर उनके विचार बेहद प्रोफाउंड हैं। सेनेका का सी उनकी इस बिलीफ पर आधारित है कि हमें नेचर के साथ अलाइन करना चाहिए और उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में है। सेनेका का एक की कोट है, ट्रू हैप्पीनेस इज टू एंजॉय द प्रेजेंट विदाउट एंग्शियस डिपेंडेंस अपॉन द फ्यूचर। यह डिटैचमेंट पर उनकी शिक्षाओं का सारांश प्रस्तुत करता है। सेनेका का मानना था कि हम अक्सर इसलिए सफर करते हैं क्योंकि हम एक्सटर्नल चीजों से चिपके रहते हैं, वेल्थ, स्टेटस, यहां तक कि रिलेशनशिप्स, जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इन अटैचमेंट्स को छोड़कर ही हम सच्ची फ्रीडम पा सकते हैं। बाहरी परिस्थितियों में सिक्योरिटी खोजने की बजाय वो हमें अपने अंदर स्टेबिलिटी खोजने के लिए कहते हैं। उनका फिलॉसफी हमारे इंटरनल स्टेट पर फोकस करने, रेजिलियंस, विजडम और ट्रैंक्विलिटी जैसे वर्च्यूज को डेवलप करने का आह्वान है। उनकी टीचिंग्स को अपनाकर हम जिंदगी के उतार चढ़ावों को इक्वानिमिटी के साथ नेविगेट कर सकते हैं। सेनेका के नजरिए से फॉर्च्यून अनप्रिडिक्टेबल और अनकंट्रोलेबल है। हम अक्सर इस इल्यूजन में जीते हैं कि हम बाहरी परिस्थितियों को मैनेज करके अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि सेनेका का तर्क है कि यह एक फैलेसी है। हम फॉर्च्यून के उतार चढ़ावों को प्रिडिक्ट या गवर्न नहीं कर सकते। कंट्रोल का यह इल्यूजन हमारी एंग्जाइटी और सफरिंग का एक बड़ा सोर्स है। सेनेका का कहना है कि फॉर्च्यून हमारी डिजायर्स के प्रति इंडिफरेंट है। ये वेल्थ या पॉवर्टी, हेल्थ या इलनेस, सक्सेस या फेलियर कुछ भी ला सकती है। इन आउटकम्स को कंट्रोल करने की कोशिश करना वेदर को कंट्रोल करने जैसा है, ये फ्यूटाइल है। इसके बजाय सेनेका सुझाव देते हैं कि हमें फॉर्च्यून की नेचर को एक्सेप्ट करना चाहिए और खुद को उसकी विम्स से डिटैच करना चाहिए। ऐसा करके हम खुद को एक्सटर्नल इवेंट्स की कॉन्स्टेंट वरी से मुक्त कर लेते हैं। कंट्रोल के इल्यूजन को छोड़कर हम अपनी जिंदगी पर सच्ची मास्टरी हासिल करते हैं। पर्सपेक्टिव में यह बदलाव डिटैचमेंट और फ्रीडम पर सेनेका की विजडम का एसेंस है। डिटैचमेंट फॉर्च्यून के इल्यूजन्स के लिए सेनेका के रेमेडी की आधारशिला है। यह इंडिफरेंस या एपथी के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक्सटर्नल चीज़ों की इम्परमेनेंस को पहचानने और उन चीज़ों पर फोकस करने के बारे में है जो वास्तव में मायने रखती हैं, हमारे इनर वर्च्यूज। सेनेका सिखाते हैं कि एक्सटर्नल आउटकम से डिटैच होकर हम सच्ची फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। डिटैचमेंट में माइंडसेट में बदलाव शामिल है। इसका मतलब है वेल्थ, स्टेटस और अन्य एक्सटर्नल फैक्टर्स से अपने अटैचमेंट को छोड़ना। इसके बजाय हम अपना ध्यान इनवर्ड करते हैं, विजडम, करेज और जस्टिस जैसे वर्च्यूज को कल्टीवेट करते हैं।
ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं और यही ट्रू हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट के सोर्सेस हैं। हम अभी भी गोल्स के लिए स्ट्राइव कर सकते हैं और अपने पैशंस को परस्यू कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा इस अंडरस्टैंडिंग के साथ करते हैं कि एक्सटर्नल आउटकम्स हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करके हम रेजिलियंस डेवलप करते हैं। ये इनर स्टेबिलिटी सच्ची फ्रीडम की नींव है। हमारी मॉडर्न वर्ल्ड में डिटैचमेंट के प्रिंसिपल्स को विभिन्न कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है। एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव का एग्जांपल लें जो अपनी कंपनी के फॉर्च्यून्स में गिरावट का सामना कर रहा है। शुरू में वो डेवस्टेटेड होता है, अपनी आइडेंटिटी और सेल्फ वर्थ को कंपनी की सक्सेस से जुड़ा हुआ देखता है। सेनेका की टीचिंग्स को अपनाकर वो अपनी सेल्फ वर्थ को एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से डिटैच करना शुरू कर देता है। दूसरा एग्जांपल एक प्रोफेशनल एथलीट का है जो एक अनएक्सपेक्टेड इंजरी से जूझ रही है। डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करके वो अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीखती है। ये मॉडर्न केस स्टडीज हाईलाइट करते हैं कि सेनेका की डिटैचमेंट पर विजडम कैसे जिंदगी के चैलेंजेस के प्रति हमारे अप्रोच को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। डिटैचमेंट को अपनाना चैलेंजेस के बिना नहीं है। इसके लिए अक्सर माइंडसेट में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट और पर्सनल ग्रोथ के लिए एक डीप कमिटमेंट की जरूरत होती है। एक कॉमन स्ट्रगल है कंट्रोल खोने का डर। बहुत से लोगों को एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस को कंट्रोल करने की अपनी डिज़ायर को छोड़ना मुश्किल लगता है। यह डर डिटैचमेंट की प्रैक्टिस के लिए एक बड़ी बाधा हो सकती है। दूसरा स्ट्रगल है सोसाइटल प्रेशर से निपटना। ऐसी दुनिया में जो सक्सेस और अचीवमेंट को महत्व देती है, एक्सटर्नल गोल्स से डिटैच होना काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है। लोग सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए प्रेशर्ड महसूस कर सकते हैं, जिससे इंटरनल वर्च्यूज पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। इमोशनल अटैचमेंट एक और हर्डल है। हम अक्सर लोगों, पोजेशंस और आउटकम्स के साथ डीप इमोशनल बॉन्ड्स बना लेते हैं। इन अटैचमेंट्स को छोड़ना पेनफुल और चैलेंजिंग हो सकता है। इन स्ट्रगल्स के बावजूद डिटैचमेंट की प्रैक्टिस बेहद रिवॉर्डिंग है। स्टोइक प्रैक्टिसेस डिटैचमेंट के स्ट्रगल्स को दूर करने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स प्रदान करती हैं। ऐसी ही एक प्रैक्टिस है नेगेटिव विजुलाइजेशन। वर्स्ट केस सिनारियोज की कल्पना करके हम खुद को पोटेंशियल चैलेंजेस के लिए मेंटली और इमोशनली तैयार कर सकते हैं। ये फियर और एंग्जाइटी को कम करने में मदद करता है, जिससे एक्सटर्नल आउटकम्स को एक्सेप्ट करना और डिटैच होना आसान हो जाता है। दूसरी इफेक्टिव प्रैक्टिस है जर्नलिंग। डेली इवेंट्स और उनके प्रति हमारी रिस्पॉन्सेस पर रिफ्लेक्ट करने से हमारे अटैचमेंट पैटर्न्स में वैल्यूबल इंसाइट्स मिल सकते हैं। जर्नलिंग हमें उन एरियाज को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है जहाँ हम डिटैचमेंट कल्टिवेट कर सकते हैं और अपने इंटरनल स्टेट पर फोकस कर सकते हैं। माइंडफुलनेस मेडिटेशन भी एक वैल्यूबल प्रैक्टिस है। प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करके हम पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर एंग्जाइटीज से डिटैचमेंट की भावना कल्टीवेट कर सकते हैं। कम्युनिटी और सपोर्ट भी एसेंशियल है। लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स के साथ एंगेज करना, जो स्टोइक फिलॉसफी में इंटरेस्ट शेयर करते हैं, इनकरेजमेंट और गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। डिटैचमेंट की प्रैक्टिस के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। एक्सटर्नल आउटकम्स के प्रति अपने अटैचमेंट को छोड़कर हम इनर पीस और ट्रैंक्विलिटी की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। काल्मनेस की यह भावना हमें जिंदगी के चैलेंजेस को ग्रेस और रेजिलियंस के साथ नेविगेट करने की अनुमति देती है। हम फॉर्च्यून के उतार चढ़ावों से कम अफेक्टेड होते हैं। एडवर्सिटी का सामना करते समय अपनी इक्विलिब्रियम बनाए रखते हैं। डिटैचमेंट पर्सनल ग्रोथ को भी बढ़ावा देता है। अपने इंटरनल स्टेट पर फोकस करके हम विजडम, करेज और कंपैशन जैसे वर्च्यूज को कल्टीवेट कर सकते हैं। ये क्वालिटीज़ हमारी ज़िंदगी को एनरिच करती हैं और दूसरों के साथ हमारे रिलेशनशिप्स को इन्हांस करती हैं। हम ज़्यादा एम्पथेटिक और अंडरस्टैंडिंग बनते हैं, डीपर और मोर मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाते हैं।
एक और सिग्निफिकेंट बेनिफिट है रेजिलियंस का डेवलपमेंट। डिटैचमेंट हमें मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ से लैस करता है, डिफिकल्टीज का सामना करने के लिए बिना ओवरवेलम्ड हुए। अल्टीमेटली डिटैचमेंट की प्रैक्टिस एक मोर ऑथेंटिक और फुलफिलिंग लाइफ की ओर ले जाती है। हम अब एक्सटर्नल प्रेशर्स और एक्सपेक्टेशंस के गुलाम नहीं रह जाते हैं। पर्सनल फ्रीडम सेनेका के फिलॉसफी के केंद्र में है। एक्सटर्नल आउटकम से डिटैच होकर हम खुद को फॉर्चून की चेन से लिबरेट करते हैं। ये फ्रीडम फिजिकल लिबर्टी के बारे में नहीं बल्कि इनर ऑटोनॉमी के बारे में है। ये एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस की परवाह किए बिना अपनी ट्रू सेल्व्स के साथ अलाइनमेंट में सोचने, महसूस करने और कार्य करने की फ्रीडम है। रेजिलियंस इस इनर फ्रीडम का एक नेचुरल आउटकम है। जब हम अपनी हैप्पीनेस के लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंडेंट नहीं रह जाते हैं तो हम एडवर्सिटी का सामना करने में ज़्यादा रेजिलिएंट हो जाते हैं। हम चैलेंजेस का सामना क्लियर माइंड और स्टेडी हार्ट के साथ कर सकते हैं, ये जानते हुए कि हमारी वेलबींग एक्सटर्नल इवेंट्स से टाइड नहीं है। फ्रीडम और रेजिलियंस का ये कॉम्बिनेशन एम्पावरिंग है। यह हमें कॉन्फिडेंस और पॉइज के साथ जिंदगी को अप्रोच करने की अनुमति देता है। डिटैचमेंट और फ्रीडम पर सेनेका की विजडम एक रेजिलियंट और फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए एक टाइमलेस गाइड है। डिटैचमेंट को अपनाना एक जर्नी है जिसके लिए कमिटमेंट और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। शुरू करने में आपकी मदद करने के लिए कुछ एक्शनेबल टिप्स यहां दिए गए हैं। पहला, नेगेटिव विजुलाइजेशन की प्रैक्टिस करें। यह आपके माइंड को अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के लिए तैयार करता है और एंग्जाइटी को कम करता है। दूसरा, माइंडफुलनेस कल्टीवेट करें। प्रेजेंट और सेंटर्ड रहने के लिए डेली माइंडफुलनेस मेडिटेशन में इंगेज करें। ये प्रैक्टिस आपको पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर एंग्जाइटीज से डिटैच होने में मदद करती है। ट्रू पीस और फुलफिलमेंट की ओर आपका जर्नी आज से शुरू होता है।